भंत्री वर्व देवताओं, हमारा यह देवलोक जहां हम निवास करते हैं, संसार के हर एक वैभव से परिपूर्ण है। जिसे देखकर किसी के मन में भी ईर्ष्या हो सकती है, इसके लिए हमें कई बार देवते राजाओं से युद्ध भी करना पड़ा, लेकिन आखिर में विजय श्री ने हमारे ही कदम चूमे। क्यों नहीं महाराज, ये क्या है? क्यों हिलाई ऐसी गासन? आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। शायद ये मेरा पति भ्रम है। हर सकता है देवेंद्र, हिल सकता है, तुम्हारे होते हुए भी ऐसा हो सकता है। यह तुम्हारा मति भ्रम नहीं बल्कि कटु सत्य है देवेंद्र, कटु सत्य है। नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे बता लीजिए गुरुदेव, क्यों हिला यह सिंहासन गुरुदेव, मुझे बता लीजिए गुरुदेव, मैं जीते जिस देवलोक को कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। देवेंद्र, हाँ आज ऐसे पहली बार हिला है और यह तुम्हारे लिए चेतावनी है देवेंद्र कि संभल जाओ, तेरे से भी बलशाली कोई तेरी ओर पढ़ा चला आ रहा है। नहीं नहीं गुरुदेव, कोई उपाय कीजिए गुरुदेव, मैं जीते जी इस सिंहासन को कभी नहीं छोड़ सकता। होश में आओ देवेंद्र। गुरुदेव शीघ्र से कोई उपाय कीजिए गुरुदेव। धैर्य से काम करो देवेंद्र, बस इस जरा सी बात से इतनी घबराहट, इतनी अकुलाहट। तुम देवताओं के स्वामी हो, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। आप शीघ्र कोई उपाय कीजिए गुरुदेव, मैं जीते जी इस देवलोक को कभी नहीं छोड़ सकता, मुझे बचा लो गुरुदेव, मुझे बचा लो। ठीक है देवेंद्र, हम अभी समाधि लगाकर पता लगाते हैं क्या कारण है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखा देवेंद्र, देखा, मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि इंद्रपद और देवताओं से भी बचकर एक वस्तु है, वो है अश्विनी तप। देव ऋषि नारद उत्तराखंड में तप। अब यह तो देवादिदेव महादेव ही जाने कि वे तपस्या क्यों कर रहे हैं। जानता हूं गुरुदेव, सब कुछ जानता हूं, भला उस देव ऋषि नारद को कौन नहीं जानता। वीणा के तार बजाना और इधर की उधर लगाकर झगड़े करवाना, यह तो उसकी पुरानी आदत है। लगता है नब्बे और मेहनता के नुपुरों की झनकार उसकी वीणा के सरों से टकरा गई है। इस वैभवपूर्ण देवलोक का दृश्य उसकी आंखों में समा गया है, इसलिए देवलोक और इंद्रपद पाने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। हर्ष में आ गया इंद्र। नहीं नहीं गुरुदेव, मंत्री जी महाराज,
जाओ और पितृ काम देव को बुलाओ। जैसी आज्ञा महाराज। इस समय केवल वही सहायक हो सकता है। देखता हूं कैसे दिखता है उसकी माया के आगे उसका जब, और तब बड़ा आया थे लोग इंद्र पद पाने के लिए घोर तपस्या करने वाला। जय देवेंद्र। आओ मित्र कामदेव, आओ मेरी आसाम के किरणों के स्वामी, आओ मित्र कामदेव। देवराज, कैसी हलचल है इंद्रपुरी में? सुर समाज क्यों चिंतित है? कहिए देवराज क्या आज्ञा है? सेवा में दास उपस्थित है। देवों के राजा की अधीरता का कारण बताता हूं मित्र। कारण है वो देवर्षि नारद। पहले सुरों और अश्वों को नचाया करते थे, लेकिन आज मुझे भी नहीं छोड़ा। देव ऋषि नारद? हाँ मित्र। भला उन्होंने ऐसा क्या कर डाला जिसने चंद्रमा से मुख को विलीन कर दिया और अकुलहार से स्वामी का अंग अंग भर दिया? उन्होंने ऐसा कार्य किया है मित्र जो आज तक पहले किसी ने नहीं किया। तुम जानते हो मित्र, वह देवर्षि नारद देव लोक और इंद्र पद पाने के लिए घोर तपस्या कर रहा, और गुरुदेव कह रहे हैं कि तपस्या के बल पर देव लोक और इंद्र पद पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं। मुझे बचा लो मित्र, मुझे बचा लो। मैं जीते जी सिद्ध रहूं और देवा तो कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे बचा लो मित्र, मुझे बचा लो। तपस्या ही तो करनी होगी और तो कुछ नहीं मित्र। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यह मेरी मृत्यु है, मेरी मृत्यु। मैं जीते जी सिद्धासन को कभी नहीं छोड़ सकता। मित्र, तुम इतने अधीर न हो। आज तक भगवान शंकर के सिवाय मेरे इन माया रूपी बाणों से कोई नहीं बच पाया। तुम आनंद से देवलोक पर राज्य करो। मैं अभी जाकर उस देव ऋषि की तपस्या भंग करता हूं। ठीक है मित्र, तुम शीघ्र जाओ। और सुनो मित्र, तुम अपने साथ रंभा, मेनका, लालदेव और कालदेव को अपने साथ लेकर जाओ। देवादि अनुधेव की अनुकंपा से विजयश्री तुम्हारे कदम चुमेगी। ये प्रेम तुम्हारा है मित्र, बस नहीं बिसरने काबिल है। बदला क्या तू इस चाहत का, बस नहीं बिखरने काबिल है। अलवत्ता मैं और मेरा ये दिल, जो कुछ है सब कुछ तुम्हारा है। जब तक तन में ये जीवन है, ये इंद्र ऋणी तुम्हारा है, ये इंद्र ऋणी तुम्हारा है। देवराज, मैं योग्य नहीं सम्मान के हूं जो मित्रवर ने उच्चारा है। देवेंद्र क्यों लज्जित करते हो उसको जो मित्र तुम्हारा है? ठीक है मित्र, तुम शीघ्र जाओ। जैसी आज्ञा मित्रवर। मंत्री जी। जी महाराज। जाओ और लालदेव और कालदेव को दरबार में हाजिर करो। जैसी आज्ञा महाराज। संतरे की फाड़ी। आप पर दुख में जात हसुर में कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। ये संकट आवे ना घर में जी बनाया डाड़ी खिलाड़ी बता ये करोगा बनवाड़ी। कोई नहीं करता। तेरे को याद करे लाल देव। महाराज।
क्या हो? तो कहिए महाराज, क्या संदेश हमारे लिए? तो कामदेव के साथ जाओ और उस नारद मुनि की तपस्या भर करो। अपने तो बस जो आ गया महाराज। चल भाई महाराज, रंभा महल का भी साथ में जाएंगे क्या? थोड़ा चल फिर आगे गुजरात का नहीं बता दो महाराज। चल तो मैं बाबे रंभा और मेनका को भी बुलाओ। ओ बेटे रंभा मेनका जीरो महाराज आई तो कोनी अब तक छम तो आवा है छम छम आम बुला महाराज आम लेगा महाराज गाओ हाथ लगा के खालसी थोड़ा चिकनी सी वो माम तो नहीं मसाले ये देखा था असली है कि नकली है। अरे इस तरह के बने कई बार जुत्ता लगा के खड़े हो दिखे नू फिर मैं भी देख लू एक बार ना नारायण ना ही मेरी बारी पिटेगा तू असली है जो बसी में आइए ना कहीं जमा भी नहीं कतराने तलाब में कुत्ता मारे लाल देव काल देव जी महाराज मेनका रंभा शीघ्र चलो हमें किसी भी हालत में उस देव ऋषि की तपस्या भंग करनी है। तो आ गया महाराज हरिओम नमो भगवते